बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। भाई अभी हमने क्या देखा था, कैसे किया कॉमन फैक्टर्स देन रीग्रुपिंग। अब आता है जो हमारे पास फैक्टराइजेशन करना है बट कैसे, आइडेंटिटीज यूज करके। तो चैप्टर नंबर आई थिंक 9th आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, वहां पे हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 3 से 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो उन्हीं को यूज करके हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो पहले मैं आपको एक बार वो आइडेंटिटीज क्या थी याद करवा देता हूँ, ध्यान दिलवा देता हूँ। पहली आइडेंटिटी थी हमारे पास कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आप इसको कैसे लिखते हो, शॉर्ट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही लिखते हो, ठीक है जी। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी उस टाइम, अब है आपके पास अब a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो तो भाई a प्लस बी की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो उसका हमारे पास क्या रूल होता है, ए स्क्वायर, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस, ठीक है, और ये बी स्क्वायर, सिंपल सी चीज। और एक तीसरी आइडेंटिटी क्या थी कि आपके पास है a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज थी ना हमारे पास, एक आइडेंटिटी और है वो भी बाद में यूज करेंगे, आएगी आपके पास, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो जरा गौर से देखो ये क्या है हमारे पास, एक तरीके से ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको देखो मैंने कैसे कन्वर्ट किया हुआ है, इधर प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, किया हुआ तो यानी ये फैक्टराइज किया हुआ मैंने ऑलरेडी, तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी, हमें इसको शॉर्टकट तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है बस। चलो जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं, आपकी बुक को पकड़ते हैं सीधा फिर से। तो पहला एग्जाम्पल आता है आपके पास, इसके अंदर है देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि मैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, पहले देखो कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो नेगेटिव वाले तो पहले ही बाहर कर दो कि ये तो हो नहीं सकता, बचा कौन सा, ये वाला। अब इसको इससे मैच करके देखो, यहां पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं भाई, बोलो जल्दी से, मेरा पेन नहीं मिल रहा, हां जी बोल मिल गया, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ये मेरे किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर के, ठीक है। 16 है और ये है बी स्क्वायर, बट बी की वैल्यू क्या रखोगे, ये किसी का स्क्वायर तो होना चाहिए, यहां पे अगर मैं 16 को कैसे लिख सकता हूं, 4 × 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल 4 × 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसको अगर मैं अब बोलू बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब देखो ए क्या आपके पास, यहां पे ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तभी तो एक्स ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं। अब देखो बचा ये 8x, इसे कैसे लिखे, 8x 2ab के बराबर है, पहले 2 लिखो, ठीक है जी, a है यहां पे a क्या है, x मान रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, यहां पे b है, b क्या मान रहा हूं मैं, 4 मान रहा हूं ना, यहां पे b क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल, b का स्क्वायर 4 स्क्वायर है, तो b किसके इक्वल होगा, 4 के, यहां पे मैंने क्या लिखा, 4, ठीक है, ये 2ab बन गया, 2ab, 2 वहां से आया, a मतलब x एंड सॉरी a मतलब x एंड b मतलब 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कैसे लिख रहे हम, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख रहे, बिल्कुल लिख रहे हैं, तो ये किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, a का हमने क्या लिखा एक्स, बी को मैंने क्या माना 4, ए प्लस बी हो गया, इसका स्क्वायर आ गया शॉर्ट करके। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, आइडेंटिटी देखी कौन सी लगेगी, दिमाग लड़ाया प्लस वाली माइनस वाली होल स्क्वायर कैसे वाली, जब मुझे मिली तो मैंने उसको कन्वर्ट किया, इसको इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर को माना ए स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल टू ए हो गया,
टू ए बी को मैंने देखा कि टू तो यहीं से लेना है, और ए और एक्स की वैल्यू डाल के देखी, एक्स कन्वर्ट किया, देन मैंने बी की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर से इसको किया, वैल्यू निकाल ली। सिंपल सी चीज, क्लियर हुई चीज। अभी एग्जाम्पल करेंगे दो तीन ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है आपके पास, इसके अंदर फोर वाई स्क्वायर माइनस में 12y एंड देन प्लस में 9। ओके, अब देखो माइनस की टर्म है इसके अंदर, है ना, तो ये तो माइनस वाली नहीं है, इसको तो हटा दिया। अब इसके अंदर देखो सिर्फ क्या आती है, दो आते हैं a और b और दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे तो तीन टर्म है, यानी बची कौन, ये वाली जिसमें एक माइनस भी है। तो हम क्या कहेंगे, इनको अब कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है जी। कैसे, अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो फोर वाई स्क्वायर है इससे कंपेयर किया मैंने, तो किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के, ठीक है जी। अब मुझे को इसकी ए की क्या वैल्यू रखूं भाई, ए की क्या वैल्यू रखूं कि मुझे ये मिल जाए भाई, फोर वाई ए स्क्वायर में क्या वैल्यू रखूं ये मिल जाए। सिंपल सी चीज, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहां पर हम देखेंगे ए की, अगर मैं देखो इसको ब्रेक करो पहले, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वाई का स्क्वायर, ओके, तो यहां पे क्या आ रहा है, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। मुझे a की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर से कि a क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसको कैसे लिख सकते हो, ये बेस अलग, ये बेस अलग, ये बेस अलग, ये बेस अलग, पावर हो गई सेम। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, टू मल्टीप्लाई बाय वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं क्या कहूंगा, मेरे लिए a क्या है, तो a हो गया यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय वाई, ए की वैल्यू निकल गई ना, क्यों निकाली, फॉर्मूले के अंदर भी तो डालनी है माइनस बी, तभी तो निकाल रहे हैं। वाई की वैल्यू देखो आप कैसे निकलेगी, वाई की कह रहा हूं, बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये 9 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, मैंने बी स्क्वायर माना है, तो मैं क्या कहूंगा, बी इक्वल टू 3 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आ जाओ किसके ऊपर, माइनस 12y के ऊपर आ जाओ बच्चों, ठीक है, माइनस 12y, ओके, ये किसके इक्वल है, टू माइनस 2 ए बी के इक्वल है ना, ठीक है जी। इसको ब्रेक करते हैं, अब ये हो गया माइनस, पहले 2 ले लो, माइनस 2 आ गया, किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 हो जाए 6 से, ओके, ये क्या है मेरे पास बताओ, बोलो बोलो, एक मिनट यार गलत करवा दिया, रुको रुको, ये टू, ये टू ले लिया। अब ये क्या है, ए बी, ए और बी की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय 3, बी की वैल्यू क्या है, 3 हो गया मेरा माइनस 2 ए बी के बराबर। तो देखो क्या चीज आएगी, एक मिनट यार क्या हो गया आज, सॉरी यार, ये नहीं सॉरी, रुको, ये 2y है और ये 3, ये 2 ए बी हो गया ना, देखो 2 हो गया, ए क्या है 2y एंड b क्या है 3 लिख दिया। तो देखो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, माइनस में 12y ही आएगा, तो आपके पास माइनस 2ab भी आ गया, ये बन गया। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, जल्दी से करो, a की वैल्यू क्या आपके पास 2y, फिर क्या साइन है माइनस, फिर क्या है b क्या आपके पास 3 लिखो, तो ये चीज आ गई आपके पास इसके इक्वल। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख लो कि 2y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 3, ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो, लिखना चाहो तो ऐसे, लिखना चाहो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई जी। हाँ, अब देखो ये हो गए हमारे पास कौन से आइडेंटिटीज होगी। जैसे अब ये वाला एग्जाम्पल करना चाहते हो तो मैं एक बार ये भी करवा देता हूँ, आ जाइए, एग्जाम्पल आपके पास 49p स्क्वायर माइनस में 36, ठीक है, तो उसको सिंपल समझो, देखो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या हो जाएगा 7p, a क्या हो जाएगा आपके पास 7p और यहाँ पे b क्या आ जाएगा 6, क्लियर हो गया। तो सिंपल इसी को लिखो बस, ये हमारे पास ऑलरेडी दी थी, हम a माइनस b लिखेंगे, 7p माइनस में 6 एंड 7p प्लस में 6, ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास,
दूसरा इसके जो तीसरा फॉर्मूला था वो आ गया। चलिए ये हमारे पास तो होगी एक आइडेंटिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं इनको। इसके बाद हमारे पास जो आती है अगली आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म, शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। चलो एक काम करो, मैं इसको अलग से अभी करवाता हूँ, इसको आप देख लो जिसको मैं रब कर रहा हूँ, जिसे नोट करना हो कर लीजिए ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी चाहिए मुझे, वो बात नहीं बनेगी ठीक है, कर लीजिए लिखो। चलिए